होली के त्यौहार को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता वीरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम से वीरेंद्र से हम गुजारिश करेंगे कि दिखाएं किस तरीके से राजस्थान में होली का रंग देखने को मिल रहा है और क्या कुछ तैयारियां यहां पर की गई हैं। सौम्या पूजन है वो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को एक बुके देकर फूलों का बुके देकर उनका स्वागत करती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। और ये जो कार्यक्रम है होली स्नेह मिलन समारोह है ये जो कि सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक यहाँ पे आयोजित होगा और इसके अंदर तमाम जो आप देखेंगे कि जो सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से जो जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पे आपको जो स्वागत करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का यहाँ पे फूलों से स्वागत किया जा रहा है और साथ ही आपको बता देंगे कि जिस तरीके से आपने देखा है कि जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है जो सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से ही विधायक भी है और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अपने जो विधानसभा क्षेत्र के जो तमाम जो मतदाता या फिर जो जो यहाँ के जो लोग हैं जनता हैं उनसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का फूलों से स्वागत किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं NDTV पर और आप देखेंगे यहाँ पे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का स्वागत और सोनिया गुर्जर और जो यहाँ पे आप देखेंगे कि तमाम जो सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के BJP के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यहाँ पे तमाम जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करते हुए उनसे मुलाकात करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि भजन लाल शर्मा के साथ सौम्या गुर्जर और जो सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए जो BJP के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद है और ये होली स्नेह मिलन जो कार्यक्रम है उसके अंदर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है वो शामिल हुए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से इस कार्यक्रम के अंदर तमाम जो व्यवस्थाएं की गई है इसके अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से जो यहाँ के जो जनता है वो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का अभिवादन करती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। जी बिल्कुल वीरेंद्र, देखिए तस्वीरों के जरिए भी दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ है। सांगानेर विधानसभा के 4 मंडल के यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और आज एक बड़ा दिन भी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि राजस्थान की जिन 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है आज हो सकता है कि उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो और ऐसे में होली का त्यौहार है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है आज? बिल्कुल, देखिए एक तरफ तो होली के रंगों में लोग हैं वो पूरी तरीके से रंगे हुए हैं, वही अगर राजनीतिक रंग की बात की जाए तो पूरा अपने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पूरे राजनीतिक रंग में जो नेता हैं वो पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और आप देखेंगे कि जो राजस्थान की जो शेष बची हुई 10 सीटें हैं उनके ऊपर भी जो है नामों का ऐलान है वो कुछ ही समय में होगा। और इसके अंदर आप देखेंगे कि जो BJP की जो सूची आएगी तो राजस्थान के जो 10 जो लोकसभा सीटों में अभी तक BJP ने अपने उम्मीदवारों को नहीं उतारा है उनका भी नाम अब एक सूची के अंदर आने की संभावना बताई जा रही है। और इसके साथ ही आपको बता दूँ माइक्रो तो लेवल के जो मैनेजमेंट है जो रणनीति है उसके ऊपर लोग नजर बनाए हुए हैं और किसी भी कार्यकर्ता या किसी पदाधिकारी को साफ तौर पर यहाँ पे निर्देश दिया है कि आप जाना है और जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं चाहे वो केंद्र की योजना हो चाहे वो वहाँ के स्थानीय मुद्दे हो उन तमाम मुद्दों को जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको एकजुट करके जो वहाँ की जो स्थानीय नेता है उनको बताना और किस तरीके से जो
25 की 25 लोकसभा सीटों पे तीसरी बार बीजेपी हैट्रिक बनाती है, उसको लेकर ये पूरी रणनीति यहाँ पे बनाई गई है। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि तमाम जो क्लस्टर हो, चाहे वो संभाग स्तर के पदाधिकारी हो, चाहे वो जिला स्तर के पदाधिकारी हो, हर कोई यहाँ पे एक पूरी चुनावी रणनीति के तहत काम कर रहा है। और इसके अंदर आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री खुद इसके अंदर भाग ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक साफ तौर पर मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से राजस्थान की जो 25 सीटें हैं वो उन पे फतह हासिल करनी है, और केंद्र की जो योजनाएं हैं उनको जनता तक लेके जाना, और अंतिम व्यक्ति तक ये योजना है, केंद्र की योजना है, वो पहुंचनी चाहिए। जी बिल्कुल, वीरेंद्र फिलहाल मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है और तमाम दिग्गज यहां पर पहुंचे हुए हैं। चार मंडलों की होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ है। क्या कुछ आगे कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का? देखिए आपको विधानसभा क्षेत्र जो बीजेपी पदाधिकारी है वो यहाँ पे उनके द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया। इसके अंदर जो जयपुर ग्रेटर की जो मेयर है सौम्या गुर्जर वो यहाँ मौजूद है। इसके साथ आप देखेंगे कि जो बीजेपी उपाध्यक्ष मुकेश धादीज है वो भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ कलाकारों के द्वारा अपने जो स्थानीय कलाकार है उनके द्वारा अब प्रस्तुतियां देते हुए यहाँ पे कलाकार नजर आ रहे हैं। इसके साथ आप जैसे ही इस हॉल में पहुंचे हैं उसके साथ ही जो सांगानेर विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है उसके द्वारा स्वागत किया गया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। और आपको एक चीज और बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहली बार जो विधायक चुने गए हैं वो इसी विधानसभा क्षेत्र से चुने गए हैं। और इसके अंदर इस पूरे कार्यक्रम की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर रिद्धि सिद्धि मंडल है, श्योपुर मंडल है, मानसरोवर मंडल है और भाटोटा मंडल, यानी तीन से चार जो मंडलों के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। और जो स्थानीय कलाकार हैं वो अपने जो प्रस्तुति देकर यहाँ पे मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुति देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि जो ये कार्यक्रम है ये 4 बजे के करीब चलेगा और 4 बजे के बाद इस कार्यक्रम की समाप्ति होगी। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो इस कार्यक्रम के अंदर अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पे पहुंचे हैं। और इसके बाद अगर मैं कार्यक्रम की बात करूँ तो आपको बता दूं कि यहाँ पे लगातार 11 बजे से सुबह 11 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और अब 4 बजे के करीब इस कार्यक्रम की समाप्ति होगी। हाँ बिल्कुल वीरेंद्र, तो फिलहाल तस्वीरों के जरिए भी जरा दर्शकों को दिखाइए क्या कुछ यहाँ पर कार्यक्रम भी आयोजन हुआ है। चार मंडल का होली मिलन समारोह यहाँ पर हो रहा है और साथ ही ये भी जरा दर्शकों को बताइए कि क्या कुछ यहाँ पर आगे का कार्यक्रम रखा गया है, किस किस की मौजूदगी इस कार्यक्रम में है, कैसी तैयारियाँ यहाँ पर और लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है। एक बार माफ कीजिएगा, सवाल दोबारा करेंगे? हाँ बिल्कुल वीरेंद्र, मैं जरा आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या कुछ यहाँ पर और भी तैयारी है इस कार्यक्रम को लेकर, मुख्यमंत्री कब तक यहाँ रुकने वाले हैं और साथ ही जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं कैसा उत्साह, चूंकि होली कल है और ऐसे में आज होली मिलन समारोह का आयोजन जगह जगह पर हुआ है, मुख्यमंत्री फिलहाल 4 मंडल की होली मिलन में पहुंचे हुए हैं, कैसी तस्वीरें वहाँ की? देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जो मेयर है सौम्या गुर्जर वो यहाँ पहुंचे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने जो भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है वो यहाँ पे कलाकारों के द्वारा प्रस्तुति की जा रही है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे जो तमाम जो बीजेपी मंडल के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का उन्होंने यहाँ पे स्वागत किया गया है। इसके साथ
साथ ही आपको बताना चाहूँगा चारों मंडलों के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ आए हुए हैं इस कार्यक्रम के अंदर शामिल होने के लिए। इसके साथ मुख्यमंत्री बृजेंद्रनाथ शर्मा कार्यक्रम के बाद अब भी मुख्यमंत्री बृजेंद्रनाथ शर्मा यहाँ पहुँचे हैं और इस कार्यक्रम के समय बाद यहाँ के जो सामने विधानसभा क्षेत्र के जो तमाम जो जनता है उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है, उनके द्वारा जो स्वागत किया गया है उसको भी आपने देखा होगा किस तरीके से जो यहाँ की जनता के द्वारा जो फूल बरसाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। तो जाहिर सी बात है एक तरफ राजस्थान के अंदर होली है, दूसरी तरफ जो लोकसभा रूपी जो एक कह सकते हैं कि जो राजनीतिक है उसके अंदर आज कहानी वो रंगे में नजर आ रहे हैं। दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री के सामने तमाम प्रस्तुतियां पेश की जा रही हैं और लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। वीरेंद्र आपसे जानना चाहेंगे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचे हैं और कल होली का त्यौहार है, ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन के सामने है किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखा जाए। जवान है वो इस पूरे कार्यक्रम के अंदर चाहे वो एंट्री गेट हो चाहे वो तमाम जो गेट है वहाँ पे राजस्थान पुलिस के जवान है वो खड़े हुए हैं। और इसके साथ मुख्यमंत्री के स्टेज की बात करूँ तो यहाँ पे मीडिया से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें भी कुछ दूरी पे खड़ा किया गया है, यानी सुरक्षा के लिहाज से महिला पुलिस हो या फिर तमाम लोग यहाँ पे लगाए गए हैं और इससे भीड़ को मैनेज करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर मुख्यमंत्री जैसे ही यहाँ से निकलेंगे तो प्रॉपर एक जो रास्ता बनाया गया है जिसके अंदर भीड़ को रोकने के लिए यहाँ पर जवान है जो कि पूरी व्यवस्था बनाए हुए हैं। कुल मिलाकर कल की भी तैयारी प्रशासन की तरफ से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर की गई है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो कब तक यहाँ पर रुकेंगे और साथ ही मुख्यमंत्री का क्या यहाँ के बाद भी कोई कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं होली मिलन समारोह का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है और इसके साथ ही मंडलीय जो पदाधिकारी है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और जो यहाँ के जयपुर जो कि जयपुर के जो सभी कलाकार हैं उनके द्वारा ये प्रस्तुति दी जा रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे कार्यक्रम में मिलन कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम के अंदर जो तमाम जो लोग होली खेल रहे हैं वो केवल केवल यानी कोई आर्टिफिशियल कलर या फिर कोई ऐसा कोई केमिकल जो कलर है वो यहाँ पे नहीं लिया गया है, केवल यहाँ पे फूलों की जो होली है वो खेली जा रही है। जी बिल्कुल वीरेंद्र, अगर बात की जाए तो चुनाव की तैयारियां भी जोरों से चल रही हैं, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। भारतीय जनता पार्टी जनता को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। राजस्थान में 10 अभी ऐसी सीटें हैं जिन पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बाकी है बीजेपी की तरफ से, क्या कुछ तैयारियां जमीनी स्तर पर की जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए अगर मैं आपको 10 जिन पे अभी तक बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की आप देखेंगे कि जो राजस्थान की जो 25 लोकसभा सीटें आप देखेंगे कि जो हर जातीय समीकरण हो चाहे क्षेत्रीय समीकरण हो या फिर बात की जाए जातिगत जो वोटर्स उसके आधार पे ही बीजेपी की रणनीति के तहत अपने उम्मीदवारों को यहाँ पे उतार रही है। अगर मैं बात करूँ जयपुर शहर की और जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर के अंदर पिछले अगर इतिहास की बात की जाए तो पिछले कई जो लोकसभा चुनाव हुए उसके अंदर देखा गया है कि बीजेपी अपने उम्मीदवार के रूप में या फिर तो किसी ब्राह्मण चेहरे को उतारती है या फिर यहाँ पे अग्रवाल समाज या फिर वैश्य समाज से जुड़े हुए जो व्यक्ति है उससे अपना उम्मीदवार बताती है। इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि जो अगर मैं जयपुर ग्रामीण की बात करूँ तो
जब ग्रामीण के अंदर आप देखेंगे कि जातीय समीकरण के आधार पर ध्यान में रखते कर भारतीय जनता पार्टी होली के त्यौहार के साथ साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुटी हुई है। अलग अलग रंग राजस्थान के अलग अलग जिलों से हम देख रहे हैं और ये तस्वीरें देखिए, सांगानेर विधानसभा के चार मंडल में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद हैं और तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। वीरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर, अगर सांगानेर विधानसभा सीट की बात की जाए, तो यहाँ कैसा मुकाबला देखने को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर क्या कुछ तैयारियां हैं, जनता के जो हित के मुद्दे हैं उनको लेकर किस तरीके से बीजेपी तैयारी कर रही है साधने के लिए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? देखिए, अगर मैं जयपुर शहर की बात करूँ तो जयपुर शहर के अंदर आप देख रही हैं कि जयपुर शहर के अंदर जातीय समीकरण है या फिर लगातार आप इसलिए अगर कई चुनावों की अगर बात करें, इतिहास की बात करें, जयपुर शहर की जो लोकसभा सीट है उसके अंदर आप देखा होगा कि बीजेपी हो चाहे दोनों ही दल वैश्य समाज या फिर ब्राह्मण समाज से जो व्यक्ति है या फिर महिला है उससे उठा के आई है। यानी आप देखेंगे अब जो
हुए, अगर बीजेपी ने जिस तरीके से यहाँ पे यहाँ पे ब्राह्मण चेहरे को यहाँ पे आगे किया है, जाहिर सी बात है बीजेपी अब यहाँ पे वैश्य समाज को अपना उम्मीदवार बना सकती है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जैसे ही ये ऑफिशियल है ये अनाउंसमेंट होगी उसके बाद ही हम क्लियर कर पाएंगे। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं ब्राह्मण चेहरे के अंदर आप देख रहे हैं लगातार आगे आ रहे हैं, इसके साथ साथ आप अगर वर्तमान के जो सांसद हैं आप उनका भी नाम आ रहा है और राजस्थान की राजनीति चाहे वो विधानसभा के बाद कर लीजिए या विधानसभा की बात कर लीजिए, यहाँ पे जाति फैक्टर है काफी बड़ा रोल अदा करता है। तो इसी को साधने के लिए बीजेपी अपनी पूरी माइक्रो लेवल का जो मैनेजमेंट है जो रणनीति है उसको पूरे एक सूचीबद्ध तरीके से फॉलो करने की कोशिश कर रही है। उसी के आधार जो राजस्थान के अंदर जो 25 लोकसभा सीटें हैं उस पर किस तरीके से फतेह हासिल करनी है वो पूरे इस मैनेजमेंट को आप देख सकते हैं। बिल्कुल वीरेंद्र, फिलहाल इंतजार करना होगा 10 सीटों पर किन चेहरों को बीजेपी मौका देती है और आज हो सकता है कि नामों का ऐलान भी हो जाए, लेकिन उससे पहले जानना चाहेंगे किन चेहरों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, रेस में किन चेहरों को शामिल किया गया है। पहले जो सूची जारी की थी उसके अंदर आपने देखा होगा कि बीजेपी पूरी एक जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए अपने कैंडिडेट को उतार रहा था और दूसरा एक नया जो फॉर्मूला यूज किया गया था वो ये था कि बीजेपी ने अपने 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा था विधानसभा चुनाव के। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से अब देखा जा रहा है कि लगातार बीजेपी अपनी पूरी एक जो जाति समीकरण हो या क्षेत्रीय समीकरण हो हर चीजों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी है अपने चुनावी जो मैदान में उतरी हुई है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो जो उम्मीदवार अपनी सूची वो जो पहले सूची के अंदर बीजेपी ने जैसे राजस्थान के जो 15 कैंडिडेट उतारे उसके अंदर कई ऐसे चेहरे हैं जो पिछली बार भी सांसद थे लेकिन इस बार भी यहाँ पे एक बार फिर से मौका दिया गया है, इस बार जताया गया और कहीं ना कहीं बीजेपी अब अपने जो वर्तमान सांसद हैं उन्हें भी साथ लेकर चल रही है, जो तजुर्बे का जो एक कह सकते हैं कि जो साथ है वो यहाँ पे बीजेपी साथ लेने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए जो नए चेहरों की नए चेहरों को भी मौका दिया जाएगा, इसके अलावा अगर बात की जाए महिला वर्ग की तो महिला वर्ग को भी यहाँ पे साधने के लिए बीजेपी पूरी रणनीति के तहत यहाँ पे काम कर रही है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि इसमें चाहे आपने विधानसभा चुनाव के अंदर देखा होगा कि बीजेपी ने इसके अंदर जो युवा वर्ग हो महिला वर्ग हो किसान वर्ग हो या फिर मजदूर वर्ग हो हर किसी को साधने के लिए यहाँ पे बीजेपी ने पूरी ही एक माइक्रो लेवल का जो मैनेजमेंट है उसके आधार पे यहाँ पे अपना पूरा जो चुनाव लड़ा था और उसी तर्ज पे बीजेपी ने 15 सीटें भी विधानसभा चुनाव के अंदर हासिल की। जाहिर सी बात है बीजेपी कोई भी चुनाव नहीं करना चाहती, क्षेत्रीय समीकरण हो चाहे जातीय समीकरण हो यहाँ पे चाहे वो महिला वर्ग की बात की जाए तो हर किसी वर्ग को साधने के लिए बीजेपी पूरी अपनी जो मैनेजमेंट जो रहता है बीजेपी का माइक्रो लेवल पे उस माइक्रो लेवल मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए बीजेपी अपना ये चुनाव लड़ेगी। जी बिल्कुल वीरेंद्र, तो फिलहाल देखिए होली की तैयारियों के साथ साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी जोरों से चल रही हैं। राजस्थान की 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की नजर है, जहां भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से दावा कर रही है कि 25 सीटें उन्हीं के खाते में जाएगी तो कांग्रेस पार्टी भी अपना खाता खोलने के लिए यहां पर काफी उत्साहित नजर आ रही है। और ये होली मिलन समारोह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुझे एक स्टेटमेंट याद आ रहा है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का, वीरेंद्र उन्होंने कहा था कि 4 जून की होली भी काफी यादगार होगी, इस होली के अलावा भी 4 जून को एक बार फिर से पूरे देश में होली होगा,
भारतीय जनता पार्टी की जब जीत होगी और साफ तौर पर राजस्थान की 25 सीटों पर जीत का उन्होंने जो दावा किया है आश्वस्त नजर आ रही है इन 25 सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 15 है बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, लेकिन जो अभी जो 10 सीटें हैं उन पे अभी तक बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। जाहिर सी बात है बीजेपी अपने जो शेष बचे हुए जो प्रत्याशी हैं उनके नामों का आज अनाउंसमेंट कर सकती है। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे कि जयपुर शहर हो या जयपुर ग्रामीण, दौसा, करौली, धौलपुर, झुंझुनू और सीरा आपको मैं जो बता दूं कि यहाँ पे जो तमाम जो जो उम्मीदवार हैं अभी तक नहीं उतारे, तो यहाँ पे भी बीजेपी अपने जो जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए अपने उम्मीदवारों को यहाँ पे उतारेगी और उनकी जो एक माइक्रो लेवल की जो पकड़ रहती है उसको भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि जिन्हें बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के अंदर जो अपना प्रत्याशी बनाया था और जो सांसद हार गए थे उन्हें इन चुनावों के अंदर मौका नहीं दिया जाएगा, यानी कुल मिला के बात की जाए तो यहाँ पे मिला जुला जो एक कॉकटेल जो बीजेपी, अभी आपने देखा होगा कि बीजेपी पूरी मिश्रण के साथ अपने उम्मीदवारों को यहाँ पे उतार रही है, युवा चेहरों को शामिल कर रही है, नए चेहरों को यहाँ पे मौका दिया जा रहा है जो पहली बार जो अपने जो लोकसभा तक जाएंगे। तो ऐसे कई ऐसे नाम हैं जो पहली बार यहाँ पे उन्हें प्रत्याशी बनाया जाएगा। इसके साथ साथ मैं अगर बात करूँ जिस तरीके से सीएसी की बैठक में राजस्थान की 10 सीटें हैं उनको लेकर भी यहाँ पे चर्चा की गई है। साथ जो वर्तमान सांसद है उनके जो कार्य को एक रिपोर्ट मानी गई थी उस रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पे उनका जो वितरण है वो किया जाएगा। और जो वर्तमान सांसद है चाहे उनकी जो योजनाओं को लेकर जो वर्तमान सांसदों का जो फीडबैक है उसी के आधार पर जो लिखते हैं इन 10 जो लोकसभा सीटें की जाएगी। बिल्कुल वीरेंद्र, तो ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। सांगानेर विधानसभा के 4 मंडलों में होले मिलन समारोह का आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री का यहाँ पर भव्य स्वागत भी हुआ है। एक बार जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए कितने लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कितना उत्साह है इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में। बिल्कुल, देखिए मैं यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या कहना है, क्योंकि जिस तरीके से ये जो सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के आपको बताना चाहूँ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ से निकल रहे हैं। माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पे जो विधानसभा क्षेत्र के जो आम जनता है उसके साथ फूलों से
होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब स्टेज के दोनों दो छोर से उन्होंने तमाम जनता का फूल बरसाकर अभिवादन स्वीकार किया, और अब जो दूसरा जो शेष बचा हुआ जो स्टेज के हिस्सा था वहां पे अभी तक किसी को भी फूलों के साथ जो होली है वो नहीं खेलने को। साथ ही आपको बता दूं, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार है जो मुख्यमंत्री बृजेंद्र शर्मा और जो मेयर है, मेयर यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो तमाम जो मंडलों के जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि अभी कुछ ही जो ये लगातार जिस तरीके से ये कार्यक्रम चल रहा है उसके अंदर आप देखेंगे कि चाहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो या फिर जो यहाँ के ग्रेटर की जो मेयर हैं वो हो, तो तमाम कहीं ना कहीं जो एक तरफ लोकसभा चुनाव जो कह सकते हैं कि राजनेता है पूरे रंग में रंग में, तो दूसरी तरफ होली के त्योहार के रंग में यहाँ पे जनता है वो दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे कि तमाम जो संघीय जो जनता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो स्वागत को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो फूलों से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और जनता का अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें जयपुर से जहां होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ है। सांगानेर विधानसभा के चार मंडलों में होली मिलन का आयोजन और मुख्यमंत्री यहां पर शामिल हुए हैं। तस्वीरें लगातार हमारे सहयोगी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं, मुख्यमंत्री को आप देख पा रहे होंगे, मंच पर मौजूद हैं। होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन जयपुर में, काफी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। कब तक मुख्यमंत्री यहाँ पर रहेंगे वीरेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इसको लेकर, ये कार्यक्रम कब तक चलने वाला है? देखिए, अगर मैं इस कार्यक्रम की बात करूँ तो ये कार्यक्रम लगभग 4 बजे के करीब इस कार्यक्रम की समाप्ति होगी। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और पूरा जिस तरीके से आपने देखा कि जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं यहाँ के जो सांगनेर विधानसभा जनता है उसके साथ के जो होली है वो यहाँ पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए वीरेंद्र, कार्यक्रम का यहाँ पर जो आयोजन हुआ है, जो तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम थे वो अब संपन्न हो चुके हैं। क्या कुछ फिलहाल वहाँ पर अब आगे कार्यक्रम होने वाला है, क्या रूपरेखा तैयार की गई है? देखिए यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जो मेयर हैं उन्होंने पुष्प भेंट किए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, इसके साथ जो यहाँ के जो मंडलों के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भाजपा का जो एक दुपट्टा है वो पहनाकर उनका स्वागत किया गया है। इसके साथ ही जो यहाँ पे भगवान श्री राम की एक जो तस्वीर है वो यहाँ पे मंडलों के तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा भेंट की जा रही है, और साथ ही जो सांगनेर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, बीजेपी नेता हैं, उनके द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को गदा भेंट की जा रही है। यानी कुल मिला के जिस तरीके से आपने देखा कि एक तरफ जिस तरीके से हम भी लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जो एक तरफ होली के रंग में जो आम जनता है वो पूरी तरीके से जो रंगी हुई है, तो दूसरी तरफ जो राजनेता है वो लोकसभा चुनाव भी रंग के अंदर रंगे हुए। यानी कुल मिला के जिस तरीके से भजनलाल शर्मा ने भी बीजेपी मुख्यालय के अंदर हाल ही के दिनों में कहा था कि राजस्थान के अंदर एक बार फिर से 4 जून को एक और होली मनाई जाएगी, यानी उनका दावा है कि जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राजस्थान की जो 25 की 25 सीटें हैं उस पर बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक बनाएगी, और जो 25 की 25 सीटें हैं जो केंद्र की जो मोदी सरकार है उनके समक्ष अपनी जो एक जो जो अपना जो
जो कह सकते हैं कि रिटर्न गिफ्ट के रूप में राजस्थान की जनता के द्वारा दिया जाएगा। यानी कुल मिला के अगर मैं इस पूरे लोकसभा चुनाव की बात करूं तो आप देखेंगे कि इस लोकसभा चुनाव के अंदर राजस्थान के अंदर चाहे वो ERCP का मुद्दा हो या फिर इसमें अगर बात की जाए जो शेखावाटी और जो चूरू झुंझुनू सीकर जिलों के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था की बात की जाए तो तमाम जो उपलब्धियां हैं पिछले 90 दिनों के अगर कार्यकाल की बात करूँ राजस्थान की वर्तमान सरकार की तो उसके अंदर कई ऐसे बड़े डिसीजन लिए गए हैं जो कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही आप देखेंगे चाहे वो पेट्रोल डीजल की रेट की बात की जाए या फिर यहाँ पे जो पेपर लीक माफिया से जुड़े हुए मुद्दों की बात की जाए तो इन तमाम चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री बृजेंद्रनाथ शर्मा की सरकार ने काफ़ी बड़ा रोल जो अपना अदा किया है वो साफ तौर पर दिखाई देता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जो आपराधिक स्तर की जो मानसिकता के जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स जो बनाई है उसके द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है इसकी जिम्मेदारी ADG क्राइम दिनेश एमन को इसकी जिम्मेदारी दी गई है तो कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता के अंदर एक विश्वास दिलाने के लिए जो राजस्थान की जो बदलाव सरकार है उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जिस तरीके से जैसे इन्होंने विधानसभा चुनाव में कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो हम राजस्थान की जनता को सुशासन देंगे। तो यानी राजस्थान को जो अपराध मुक्त राज्यों की श्रेणी के अंदर लेके आएंगे। और किस तरीके से आपने देखा कि जिस तरीके लगातार है SOG की जो टीम है जिस तरीके से SIT गठित की गई पेपर लीक के माफिया के खिलाफ तो जो वो SIT बनाई गई वो लगातार कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए तमाम पेपर माफिया से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी धरपकड़ कर रही है और उनकी पहचान करके उन्हें सलाखों के पीछे भेज रही है। यानी कुल मिला के जो चाहे युवा वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो चाहे किसान वर्ग हो या फिर जो अन्य वर्ग हो सभी वर्गों को साथ लेकर उनके जो भावनाओं को समझते हुए भजनलाल सरकार अपने जो डिसीजंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपने डिसीजंस के माध्यम से जो सुशासन की जो बात कही गई थी उसको पूर्ण करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, फिलहाल देखिए ये मंच की तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है फूलों का गुलदस्ता देकर। और इससे पहले आपने देखी तस्वीरों में मुख्यमंत्री ने यहाँ पर फूलों की होली खेली। सांगानेर विधानसभा के 4 मंडलों में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ है जिसकी ये तस्वीरें हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। और मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो तस्वीरें लेते हुए नजर आ रहे हैं, काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं यहाँ पर वीरेंद्र सभी लोग। मुख्यमंत्री भी काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं, होली का त्यौहार है और ऐसे में लोकसभा चुनाव की भी तैयारियाँ जोरों पर हैं। क्या कुछ यहाँ पर और आगे का कार्यक्रम होने वाला है और क्या मुख्यमंत्री अब इस कार्यक्रम से जाने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अभी ये जो आप देख रहे हैं कि तमाम जो मंडलों के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा पुष्प भेंट करके उनका स्वागत किया जा रहा है। और इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां से कुछ ही समय में निकलेंगे। यानी ये आप देखेंगे कि जो अगर लोकसभा चुनाव की बात करूँ तो लोकसभा चुनाव के अंदर किस तरीके से राजस्थान की जो राजधानी जयपुर है यानी जयपुर शहर के अंदर किस तरीके से BJP प्रत्याशी को जिताना है उसको लेके भी आप देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है उन्होंने एक जो तमाम जो क्लस्टर्स की मीटिंग हुई उसके अंदर आपने देखा होगा कि खुद मुख्यमंत्री उसमें दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस पूरे लोकसभा चुनाव के अंदर पूरी एक माइक्रो लेवल की जो रणनीति है उस पर नज़र बनाए हुए हैं और जो 25 की 25 सीटें हैं उन पर किस तरीके से फतेह हासिल करनी है उन उस पूरी मैनेजमेंट को लेके भी यहाँ पे पूरी रणनीति बनाई जा रही है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जिस तरीके से बीती रात्रि को जो BJP की जो केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हुई है दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा कि तमाम जो BJP के शीर्ष नेता हैं उस बैठक के अंदर मौजूद रहते हैं और जो शेष बचे हुए जो राज्य हैं जहाँ पे अभी तक BJP ने अपने कैंडिडेट्स नहीं उतारे हैं
उन कैंडिडेट्स को लेकर भी उस बैठक के अंदर चर्चा की गई। और राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान के अंदर जो शेष 10 सीटें हैं उनके ऊपर भी यहाँ पे मंथन किया गया है। यानी कुल मिला के जो शेष जो 10 सीटें हैं उनके ऊपर जो मंथन किया गया है। इसके साथ आप देखेंगे कि कई ऐसे इन 10 सीटों के ऊपर जो देरी की वजह बताई जा रही है वो ये है कि नए और पुराने चेहरों को लेकर किस तरीके से यहाँ पे जो यहाँ पे सटीक बिठाना है, क्षेत्रीय समीकरण को जो सटीक बिठाना है उसको लेके भी यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर चर्चा की गई है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि इस पूरी मीटिंग के अंदर जो वर्तमान जो सांसद है उनके कार्यों का जो एक फीडबैक है, जो सुझाव है, वो भी उसके ऊपर चर्चा की गई है। इसके साथ साथ नए चेहरों को लेके जो क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए पूरे ठीक है। वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।